चलिए बात कर लेते हैं विवादास्पद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। आपको पता ही है कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पर लगातार घमासान जारी है, जहां एक ओर विपक्ष हमलावर है, वहीं दूसरी ओर कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई चल रही है। और इन सब के बीच में CPWD यानी कि कुछ पोस्टर्स लगा दिए हैं, और उस पोस्टर्स में लिखा हुआ है कि इस पूरे स्थल की ना तो फोटोग्राफी हो सकती है और ना ही वीडियोग्राफी। आपको बता दें CPWD ने कंस्ट्रक्शन साइट पर ये मनाही वाले पोस्टर्स लगा दिए हैं, साइन बोर्ड्स लगा दिए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार को सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए पहले से ही बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस परियोजना पर करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा, और विपक्ष के 12 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत भी लिखा है। उस खत में ये कहा गया है कि जितना पैसा सेंट्रल विस्टा पे लगाया जा रहा है, क्यों नहीं उस पैसे का इस्तेमाल करके देश के लिए ऑक्सीजन और वैक्सीन का इंतजाम किया जा रहा है। आयुष्मान हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर आयुष्मान कुमार जुड़ रहे हैं इस और ज़्यादा जानकारी लेकर। तो एक तरफ आयुष्मान, हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार आलोचनाओं से घिरी हुई है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, और दूसरी तरफ इन आलोचनाओं के बीच में ये कदम उठाया गया है CPWD द्वारा। इस तरीके के पोस्टर साइन बोर्ड्स लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर कोई भी फोटोग्राफी नहीं हो सकती, कोई भी वीडियोग्राफी नहीं हो सकती। क्या कोई नियम का हवाला दिया गया है इस फैसले के लिए? जी नहीं गौरी, बिल्कुल किसी भी नियम का हवाला नहीं दिया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको की जिम्मेदारी दी गई है कि उनके मैनेजर्स को ये बताया गया है कि किसी भी तरीके की रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वहां पर नहीं की जा सकती। अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ दिनों में सेंट्रल विस्टा की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से पत्रकारों ने फोटो ली है और उसकी रिपोर्टिंग हुई है वो शायद नागवार गुजरी है जो CPWD है, और साथ ही सरकार को भी, क्योंकि सरकार ने ये बात साफ कर दी सेंट्रल विस्टा को लेकर। अगर आप उस सेंट्रल एरिया को देखें, क्योंकि वो इंडिया गेट का एरिया है और वहां पर फोटोग्राफी हमेशा से परमिटेड थी, तो क्यों इंडिया गेट के पास परमिट नहीं की जा रही है फोटोग्राफी, ये कहीं भी समझ में नहीं आ रहा। किसी नियम का हवाला नहीं दिया गया है। क्या वो डिफेंस प्रॉपर्टी है, क्या वहां पर कुछ ऐसा काम हो रहा है जो कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, ऐसी कोई भी बात नहीं बताई गई है। बस साफ कर दिया गया है कि यहाँ पर फोटो लेना मना है, और जितने भी पत्रकार वहां से रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं उनको वो करने से रोका जा रहा है। ये उस वक्त हो रहा है गौरी जब देश में 4 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं, और लगातार सरकार पर ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब लोगों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की जरूरत है, ऐसे में कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है। शायद यही क्रिटिसिज्म है जो सरकार को नागवार गुजर रहा है, और वहां पर फोटोग्राफी के लिए भी मना कर दिया गया है। जी शुक्रिया आयुष्मान इस पूरे अपडेट के लिए।